More news coming in. Congress has announced four Raj Sabha names. Sonia Gandhi is going to be contesting from Rajasthan, filing her nominations from Rajasthan. Akhilesh Prasad from Bihar, Singhvi from Himachal Pradesh, and Chandrakant Handor from the state of Maharashtra. राजस्थान में कांग्रेस का इतिहास बन रहा है जब सोनिया गांधी 99 के बाद लोकसभा में तब से बनी हुई थी और अब राज्यसभा में नॉमिनेशन भरने के लिए जयपुर आई है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी हैं। सोनिया गांधी यहां पर नामांकन भरने के लिए आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के कुल 70 विधायक है, 19 ज्यादा विधायक है, यानी बहुत सेफ सीट है। माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में से एक को चुनना था और सोनिया गांधी ने उत्तर भारत के एक बड़े राज्य राजस्थान को चुना है राज्यसभा में जाने के लिए, क्योंकि यहां से एक संदेश दिया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनका मनोबल ऊंचा रहेगा अगर सोनिया गांधी यहां से राज्यसभा में जाती हैं तो। रायबरेली से अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब ये मान के चला जा रहा है, उनकी जगह कौन लड़ेगा पता नहीं, मगर सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए यहाँ आ गई हैं। आज बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पहुंची हैं, कल तक नामांकन भरने का आखिरी दिन था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, मगर सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच गई हैं। देख सकते हैं सोनिया गांधी बैठी हुई है, प्रियंका गांधी उनके साथ बैठी हुई है और पीछे ये तमाम राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत तमाम नेता जो है ये जा रहे हैं। इस तरह से तमाम जो कांग्रेस के नेता है यहाँ पर जा रहे हैं नामांकन भरने के लिए। कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ यहां पर रामबाग होटल से निकले हैं और विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। सोनिया गांधी यहां शुभ मुहूर्त में, इन्हें करीब 12 बजे नामांकन भरना है और उसके बाद राहुल गांधी के साथ दिल्ली निकल जाएंगे, प्रियंका गांधी कोलकाता जाएंगी। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के सेहत को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में बहुत सेफ सीट है, इसे ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी को यहां पर राज्यसभा से भेजने के लिए चुना गया है। सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, राहुल गांधी की आज न्याय यात्रा को ब्रेक दिया गया है नामांकन भराने के लिए। कांग्रेस के राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा में जा रहा है राजस्थान से। हालांकि इंदिरा गांधी 1964 से लेकर 67 तक राज्यसभा में रह चुकी हैं, मगर सोनिया गांधी राजस्थान से जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में 99 से लगातार। सोनिया गांधी has been an MP from Lok Sabha since the year 1999. This time around, she's in fact choosing to be a nominated member from Rajasthan. And that's the information that we have with us. We'll continue to get you more details on that big story.